हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ए प्लान दोनों भाइयों के लिए बनाया गया मिड पॉइंट से डिवाइडेड करके। प्लॉट साइज 40 फीट बाय 24 फीट, 40 फीट आपका फ्रंट और 20 फीट इस डायरेक्शन में। इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा स्टेयर के नीचे से। यहाँ पर होगा मेन डोर, इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श जमीन से 1 फीट की ऊँचाई पर है और आपका घर का फर्श जमीन से 2.5 फीट की ऊँचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और दाहिने तरफ फ्लैट ए का डोर और बाएं तरफ फ्लैट बी का डोर। और इस स्टेयरकेस के नीचे ही आप 2 बाइक आसानी से पार्किंग कर सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई है 7 फीट 5 इंच। और इस स्टेयरकेस का डिटेल्स बाद में देखते हैं, पहले देखते हैं फ्लैट बी। मैं सिर्फ आपको फ्लैट बी दिखाऊंगा क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। इस डोर का साइज़ है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से एंटर करते ही दाहिने तरफ आपको मिलेगा ओपन किचन और बाएं तरफ डाइनिंग। और यहाँ पर फर्स्ट बेडरूम का डोर और यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर और यहाँ पर कॉमन टॉयलेट। इस किचन का साइज़ है इस डायरेक्शन में 4 फीट 11 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 2 इंच। और ये डाइनिंग एरिया इस डायरेक्शन में 7 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 3 इंच। और ये फर्स्ट बेडरूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 10 फीट 10 इंच। रूम में 2 विंडो है। और ये सेकेंड बेडरूम इस डायरेक्शन में 9 फीट 10 इंच और इस डायरेक्शन में 12 फीट। इस रूम में भी 2 विंडो है। आप देखते आपका कॉमन टॉयलेट। इस टॉयलेट का साइज़ है 3 फीट 11 इंच बाई 8 फीट 1 इंच। आप देखते आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज़ है 7 फीट 10 इंच बाई 16 फीट 3 इंच। और इस स्टेयरकेस में आपका अब ऐसे होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये फर्स्ट राइजर यहाँ से 3 फीट 6 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 6 इंच और आपका स्टेयर का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस लैंडिंग का चौड़ाई है 4 फीट 6 इंच। इस स्टेयरकेस में टोटल 1 2 3 4 ऐसे करके 22 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक।